दोस्तों जहां एक तरफ 2022 अक्षय कुमार को बहुत ही निराशाजनक रहा, तो वही 2023 में अक्षय कुमार की ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज की अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जी हां, भले ही खिलाड़ी की कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अब खिलाड़ी कुमार अपना कमबैक करने के लिए फिर एक बार तैयार है और अब ऐसी मूवी बनाने वाले है खिलाड़ी जिसकी मांग कई सालों से हो रही थी। जी हां, अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 के बाद अब राउडी राठौर 2 अनाउंस करेंगे, ऐसी खबरें हैं। जी हां दोस्तों, इस फिल्म का कई सालों से इंतजार किया जा रहा है। फैंस चाहते हैं कि खिलाड़ी अपने राउडी वाले अवतार में दिखे। वही अब आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे कि ये मूवी कब आएगी, इसे डायरेक्ट कौन करेगा और ये खबर कहां से सामने आई, तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे दोस्तों। जी हां, 2012 में आई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौर ने बॉक्स ऑफिस पर कई कमाई के झंडे गाड़ दिए थे। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी इस मूवी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। वही अब कई सालों बाद इसके सीक्वल को लेकर खबरें सामने आई है। वैसे इससे पहले भी 2020 में राउडी राठौर के सीक्वल की खबरें चली थी। तब कहा गया कि राउडी राठौर 2 की शूटिंग 2020 में शुरू होगी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित किया गया। वही अब तब से खबरें आना शुरू हो गया है। वैसे इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो इसे भंसाली डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में राउडी राठौर के सीक्वल की बात चली थी, तब डायरेक्टर को लेकर संजय लीला भंसाली का नाम सबसे आगे था। वही अब दोस्तों बात करें फिल्म कब तक आएगी, तो अभी तक खिलाड़ी कुमार के पास सीक्वल का भंडार पड़ा है, साथ ही कई फ्रेश मूवीज भी अक्षय कुमार करने वाले हैं। वही अभी तक राउडी राठौर 2 को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन मूवी आनी है ये तो तय माना जा रहा है। और अगर अभी मूवी की अनाउंसमेंट होती है तो दोस्तों इसे आराम से 2 साल लग जाएंगे मूवी फ्लोर पर जाने के लिए। फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है। दर्शक अक्षय कुमार को अपने राउडी वाले अवतार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ये तो तय है जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आएगी तब कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है राउडी राठौर 2 का डायरेक्टर कौन होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।